did done it to me. Hello everyone, welcome back to my channel Kavya Styles. So in this video I'm gonna show you everything that I pick up from Nykaa Holi se. Yahan pe maine bahut sari cheeze liye hain jo main normally daily basis pe use karta hu jo mere almost khatam hone wale ya khatam ho gaye hain and kuch kuch cheeze hain jo maine newly try kiye hain like lipsticks and many more. So let's get into it. So the first product I purchased from Nykaa is this lip on serum. एंड मैंने एक बॉटल ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ तो फिर मैंने सेकेंड प्रोडक्ट मुझे लेना ही था लाइक ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे उसमें तो फिर मैंने सोचा कि उससे थोड़ा सा मैं बड़ा बॉटल ट्राई करती हूँ एंड ये प्राइस है 140 रुपीज़ बट मुझे ये 112 रुपीज़ में मिल गया था 112 रुपीज़ में मुझे ये ऑफर में मिल गया था सो इट्स अ ग्रेट डील एंड ये मैं ऑलमोस्ट एक दो महीने तो चलाई हूँ तो सेकेंड प्रोडक्ट आई हैव परचेज फ्रॉम द नायका होली सेल इज दिस बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा मिल्क प्रोटीन वाइटनिंग एंड रेजुवेनेटिंग फेस पैक बड़ा नाम ऑफ एंड दिस प्रोडक्ट लुक लाइक दिस इसमें मुझे ये प्रोडक्ट का प्राइस है 199 रुपीज़ बट मुझे ये 159 रुपीज़ में मिल गया था सो इट्स अ ग्रेट डील और यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट न्यू ट्राई किया है कि लाइक ट्राई करके देखता हूँ बायोटिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े हैं रिव्यूज़ सुने हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि एक तो ट्राई देना ही चाहिए मैं बायोटिक का मॉइस्चराइजर भी यूज़ करता हूँ जो मॉर्निंग नेक्टर फ्लॉलेस मॉइस्चराइजर होता है वो भी मैं ट्राई करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक फेस पैक भी ट्राई करके देखती हूँ इसका जो लाइक अंदर की चीज़ है वो वाइट शीश कलर की होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है मैंने एक बार यूज़ किया है ये इतना ज़्यादा स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देता है लाइक आई जस्ट लव द स्किन आफ्टर यूजिंग दिस एंड इसके बाद मैं बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ उसके बाद तो मेरी स्किन ओपो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है सो इन दिस आई जस्ट लव दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटर प्रूफ मस्कारा आई हैव अनदर बॉटल इस फॉर 300 रुपीज बट मुझे ये 210 में मिल गया था इसमें इसका जो लाइक टिप है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लैशेस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेगा लाइक वॉल्यूम देगा और ये सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेबेलिन न्यूयॉर्क कलर शो इंटेंस क्रेयॉन हाई कवरेज मैट फिनिश मेबेलिन का क्रेयॉन का प्राइस है 399 रुपीज नॉर्मल प्राइस है बट मुझे ये 279 रुपीज में मिल गया था लाइक ऑलमोस्ट 100 रुपीज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आल्सो फ्रॉम मेबेलिन दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट ये मेरा आई थिंक थर्ड पैक है मेरा कॉम्पैक्ट खत्म नहीं होता है मैं कॉम्पैक्ट तोड़ देती हूँ मतलब लाइक गलती से तोड़ देती हूँ गिरा और टूट गया बैग के अंदर होती है कॉलेज में जाती हूँ बैग के अंदर और बैग गिर गया तो फिर कॉम्पैक्ट टूट गया मेरे पास ऑलरेडी एक था बट मैंने उसको गंदे तरीके से तोड़ डाला है लाइक यू कैन सी दिस बहुत ही गंदे तरीके से मैंने इसको तोड़ डाला है तो फिर मैंने सोचा कि एक ऑफर चल रही है तो फिर एक न्यू प्रोडक्ट ले ही लेता हूँ और इसमें मेरा शेड है पर्ल ये भी मैंने अपने पुराने वीडियो में शो किया था मतलब जो मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज़ था उसमें मैंने कॉम्पैक्ट में भी ये प्रोडक्ट शो किया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए ये होता है प्रमोशन और इसमें जो मेरा कॉम्पैक्ट का प्राइस है इसका प्राइस है 160 रुपीज़ बट मुझे ये 128 रुपीज़ में मिल गया था मैंने ऑलरेडी इसको भी तोड़ डाला है इसमें मिरर अलग हो चुका है ये भी टूट गया था मैंने अभी फिक्स किया जस्ट लाइक मैं इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हूँ मेरी मम्मी ऑलवेज की तुम्हें फिर से कॉम्पैक्ट हो गया फिर से कॉम्पैक्ट कर गया लाइक ओके मॉम आई जस्ट बाय इट अनदर वन सो मैंने ये दोबारा ले लिया है सो नाउ मूव ऑन टू लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स आई परचेज दिस लैक्टो कैलामाइन डेली फेस केयर लोशन इन द ऑयल बैलेंस दिस इज द प्रोडक्ट एंड लैक्टोकैलामाइन के प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए तो मैंने ये सोचा मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ मेरे
90 rupees में मिल गया था, ये 128 इसका नॉर्मल प्राइस है, बट मुझे ऑफर में ये 90 rupees में मिल गया था, सो इट्स अ ग्रेट डील. ऑल्सो फ्रॉ ऑल्सो द स्किन केयर प्रोडक्ट और बॉडी केयर प्रोडक्ट, दिस इज निविया बॉडी मिल्क शिया स्मूथ बॉडी लोशन. I have the shade, I think, Shea Butter, and this is 400 ml, और इसका प्राइस है 365, और इसको मैंने ऑफर में 310 में मुझे मिल गया था. लाइक विंटर में ज़्यादा मॉइस्चराइजर काम करता है, बट मुझे गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. विंटर में तो स्वेटर वगैरह पहनते हो तो फिर हैंड वगैरह दिखती नहीं है, तो अगर कोई भी ड्राई स्किन रहे तो वो छुप जाती है, बट गर्मियों में जब आप स्लीवलेस पहन रहे हो और इधर वाइट वाइट सी हो रही है तो फिर इट्स लुक टू बैड. दैट सो मैंने सोचा कि एक बड़ा साइज ट्रायल ले लेता हूँ, ये मुझे और आर्गन ऑयल कलर बोर्ड अर्थ आर्गन ऑयल. दिस इज माई सेकेंड बॉटल. मुझे लगा ये मेरा फर्स्ट बॉटल है, और इसमें देख सकते हो कि इतना सा बचा हुआ, ये ऑलमोस्ट एक महीना चल जाएगा, क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, रात को सोने से पहले भी, एंड जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ उसके पहले मैं प्राइमर के हिसाब से इसको यूज़ करती हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को स्मूथ बना देता है और मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्लोई होता है, तो फिर मैंने अभी भी इसको लगा के रखा है. तो ये आई फील सैड, इसमें मुझे कोई भी ऑफर नहीं मिला है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये 100 ml का है. सो नाउ मूव इन टू आवर लिपस्टिक्स. लिपस्टिक्स में मैंने पहली जो पिक किया है ये है नायका मिनी लिपस्टिक्स, दिस जो है बॉट एन, ये मेरा शेड है 11 ml में भी, या 11 ml. लाइक इसके मैं स्वॉच दिखाती हूँ आपको, लाइक यू कैन सी दिस इज सो ब्यूटिफुल लाइक न्यूड शेड. ये बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक डेली बेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. शेड है रेड कलर रेडिश, इसमें मेरा शेड है 30 ml. इसकी भी मैं स्वॉच दिखाती हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल शेड. आई एम जस्ट वेयरिंग राइट नाउ, मैंने यही शेड अभी वेयर किया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने कलर वार का लिप ग्लॉस लगाया है, वो भी मैं आपको शायद शो करने शेयर करने वाली हूँ. और इसमें जो सॉरी सो इसमें जो मेरा मतलब लाइक प्राइस है वो 199 rupees है, और इसमें पता नहीं मुझे ऑफर मिला था कि नहीं मिला था. सो द नेक्स्ट लिपस्टिक्स आर फ्रॉम कलर बार. कलर बार से मैंने 3 लिपस्टिक्स पिकअप किए हैं, 2 लिपस्टिक्स एंड 1 लिप ग्लॉस. सो द फर्स्ट लिप ग्लॉस आई एम जस्ट शोइंग यू, दिस इज 009 मिडनाइट लायर. गिर गया. दिस अ ब्यूटिफुल मतलब एक पिंकिश शेड. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने अभी यही वेयर किया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा. मैं इसका स्पॉच दिखाती हूँ आपके साथ. सो ब्यूटिफुल. एंड ये आपको मतलब लाइक आपके लिप्स को ज़्यादा भी ग्लॉसी नहीं करता है, बट अगर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा वेयर करके रखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा था, तो आई जस्ट लव दिस. और इसका लिप ग्लॉस का प्राइस है 675 नॉर्मल प्राइस है, बट मुझे ये 540 rupees में मिल गया था. सो द नेक्स्ट लिपस्टिक इज अ क्रेयॉन, एंड द लिपस्टिक इज कलर बार टेक मी एज आई एम लिप कलर. ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. पता नहीं मैंने ये लिपस्टिक कहाँ पे रख दिया है, मतलब कौन से बैग में रखा है, मुझे ये जल्दी ढूंढना पड़ेगा. और इसमें जो मेरा शेड है ये है 023 बेरी रेट्रो. ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है. इसमें लाइक एक थोड़ा सा जो रेडिश न्यूड होता है, जो मतलब न्यूड इन द टोन रेड, वो जैसा इसका मतलब कलर है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है. मैं अभी इसको आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो लिपस्टिक अभी नहीं है, जस्ट इसका पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ है. मैंने उसको वेयर किया था 2 या 3 डेज पहले, बट मैंने वो किस कहाँ पे रखा है मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा ज़रूर. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है, जब भी मिलेगा तो मैं आपको शायद जरूर शेयर करने वाली हूँ. सो द नेक्स्ट लिपस्टिक इज ऑल्सो फ्रॉम कलर बार, दिस इज कलर बार न्यूड इट लिप कलर, एंड दिस इज ऑल्सो अ न्यूड लिप कलर. एंड इसका पैकेजिंग देखो यार, इतना क्लासी है इसका पैकेजिंग, सो गुड. इसके लाइक मैग्नेटिक आपको मिल रहा है, सो ब्यूटिफुल, लाइक सो क्लासी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे इसको पैकेजिंग बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. और इसमें जो मेरा शेड है
वो शेड है 005 अनरेस, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा न्यूड लिप कलर है और देख सकते हो बहुत प्यारा है इसका लिप कलर। एंड मुझे थोड़ा सा ना अभी न्यूड कलर के ऊपर ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि न्यूड लिप कलर ही ज़्यादा ट्राई करती हूँ। वैसे मेरे ऊपर इतना अच्छा न्यूड लिप कलर अच्छा नहीं लगता है। यू कैन सी दिस कलर इज दिस, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये लिप कलर। मैंने इसको भी वेयर किया था, आई थिंक कल ही इसको वेयर किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये लिप कलर। मैं ज़रूर इसको बाद में भी ट्राई करूँगी, लाइक फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स न्यूड कलर इज़ परफेक्ट। सो मैंने सोचा कि न्यूड कलर ही ट्राई करती हूँ कलर बार से। एंड कलर बार के लिपस्टिक्स के मैंने रिव्यू देखे और ये लिप कलर का जो रिव्यू था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने सोचा यही कलर पिक करती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 750, बट मुझे ये 600 में मिल गया था। एंड जो मैंने क्रेयॉन नहीं दिखाया था, जो मैंने क्रेयॉन का सिर्फ लाइक पैकेट दिखाया, सॉरी फॉर दिस, जो मैंने पैकेट दिखाया उसका जो 950 इसका प्राइस है, बट मुझे ये 760 रुपीज में मिल गया था। ये जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे ऐसे टाइप के पैकेजिंग में आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बबल रैप होके आते हैं, लाइक ऐसे टाइप के बबल रैप होके सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिले थे। इसमें मेरे दो बॉक्स आए थे, प्रोडक्ट्स ज्यादा थे एंड कुछ कुछ पार्शियली शिपमेंट हुई थी एंड पार्शियली मुझे मिले थे। ये मैंने होली सेल जब स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने पिकअप किया था, लाइक टू टू थ्री डेज में ही मैंने पिक कर लिया था, बट मैंने इसको रिसीव नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी फैमिली हॉलीडेज में बिजी थी। तो फिर मुझे बाद में मैंने पिकअप किया है, लाइक 3 दिन पहले ही मैंने इसको पिक किया है। एंड ये ऐसे टाइप के पैकेजिंग में आते हैं। तो ये सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू रियली एंजॉय माई वीडियो। इफ यू रियली डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, meet you soon in my next video, love you all.